फ्रेंड्स, तो आपने इसे पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि कैसे मैंने बिरयानी बनाया था। और यहाँ पर सब देखिए, मैं अपने बर्थडे का डेकोरेशन करने में लग गई हूँ। यहाँ पर मुझे डेकोरेशन का ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है पहले। बट क्योंकि बर्थडे था, रूममेटी जी थी, करना था। यहाँ पर सब देखना, हम दोनों बार बार लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं कि ऐसा अच्छा लगेगा, ऐसा अच्छा लगेगा। बट हम लोगों को लास्ट में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। जैसे तैसे करके हमने डेकोरेशन कंप्लीट किया, फिर भी यहाँ पर बार बार ये लग रहा था इसको यहाँ लगाओ, इसको यहाँ से निकालो। ये समय हमारे बहुत सारे बलून भी वेस्ट हो गए। बट फाइनली हमने जैसे तैसे कर लिया। यहाँ पर देखिए, ये डेकोरेट होने के बाद बड़ा प्यारा लग रहा था। यहाँ पर जो लाइटिंग थी ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखिए, कुछ ऐसा व्यू था। और मैं इतनी एक्साइटेड थी उस दिन कि प्लीज़ मेरा दो चार पिक ले लो, थोड़ा सा तो वीडियो ले लो, मुझे घर में भेजना है। मैं यही सब में बोल रही थी और वो लोग बोलते, हाँ तेरा ही बर्थडे, हम लोग तेरा ही पिक लेंगे, थोड़ा सब्र कर। लेकिन मुझसे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था। यहाँ पर देखिए, इतने सारे यहाँ पर इन लोगों ने कैंडल डाल दिए थे, बोलते हैं सबको जला। और मेरी कसम से बता रही हूँ, जलाते जलाते मेरी हालत ख़राब हो गई। 15-20 कैंडल और बार बार मेरे हाथ जल रहे थे, हाथ जल जा रहे थे। फिर इसके बाद मैंने सबको यहाँ पर कैंडल को जलाया और दो चार फोटोज अच्छे अच्छे क्लिक कराए। यहाँ पर देखिए, मेरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर था कि मुझे बस केक खाना है। बड़ा अच्छा केक था ये। और वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, दो चार फोटोज़ ले लेते हैं, तेरे काम आएंगे, घर वाले देख कर खुश हो जाएंगे ये सब। लेकिन मुझसे बिल्कुल वेट नहीं होता। मैं बोल रही थी कि प्लीज़ अब केक कट करते हैं, अब केक कट करते हैं। फिर यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे पिक्स क्लिक किए। ये देखिए, कुछ ऐसा व्यू था। मैं अप टू डेट रेडी होके बस केक खाने का मुझे बेसब्री से वेट था। तो मैं वही वेट कर रही थी कि कभी ये लोग का फोटो सेशन ख़त्म हो तो हम लोग केक कट करें और मैं केक एंजॉय करूँ। यहाँ पर देखो, मुझे फिर से केक कट करना था। उन लोगों ने बोला कि ठीक है, वो तो हो गया, लेकिन अभी जब तुम केक कट करो तो कैंडल अब जला के रखो, कुछ विश मांगो। बोलते हैं कि आज के दिन विश मांगोगे तो ये पूरी होगी। तो मैंने ये किया और यहाँ पर मैं हाथ से बुझाने की कोशिश कर रही थी, बट वो हुआ नहीं, तो मुझे मुँह से एक बुझाना पड़ा। फिर यहाँ पर मैंने केक कट किया और यहाँ पर आप देखना, केक मैं खुद ही खा गई। क्योंकि मैं उन लोगों को बोली, लिटरली मैंने अपनी लाइफ में पहले ऐसी लड़कियों को देखा है जिन लोगों को केक नहीं पसंद है, जो केक बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर बार बार मैं ही केक कट कर रही हूँ और मैं ही खा रही हूँ। मैं बार बार कट कर रही हूँ, उन लोगों को पूछ रही हूँ प्लीज़ खा लो, थोड़ा सा खा लो। तो बड़ी मुश्किल से तो उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट किया। अदरवाइज़ ये जो पूरा केक है ये मैंने खुद खाया है, बिलीव मी, ये पूरा केक मैंने खुद फिनिश किया था। क्योंकि यहाँ पर कोई खाने वाला था नहीं। और लिटरली बता रही हूँ, आप लोगों में से कौन ऐसा है जिसको केक नहीं पसंद है? क्योंकि मुझे तो केक बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक से, बहुत चाव से खाती हूँ। बट अपनी लाइफ में मैं पहली बार ऐसे लोगों को देखी हूँ जिसको केक नहीं पसंद है। नहीं पसंद है मतलब बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो कुछ ऐसा रहा मेरा बर्थडे का दिन। और यहाँ पर मैंने बस केक ही खाया, फिर सब लोगों ने, हम सब ने मिलकर बिरयानी खाई, इंजॉय की। और रात में हम लोगों ने एक दो वेब सीरीज़ देखे और मैंने पॉपकॉर्न का भी इंतजाम करके रखा हुआ था। और लास्ट में ये देखिए, दो चार पिक। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, ये मुझे कुछ पैसे मिले थे गिफ्ट के रूप में, बड़ा अच्छा लगा। और ये देखिए, लास्ट में मैं दो चार पिक ऐड कर रही हूँ। को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।